हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन में अंतर के बारे में। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सैंपलिंग। तो आपने इससे पहले सैंपल और सैंपलिंग का नाम सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अपने दैनिक जीवन में सैंपल शब्द का प्रयोग कई बार किया होगा। जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका ब्लड सैंपल यूज करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड सैंपल होता है, उस व्यक्ति के अंदर जितना भी ब्लड होता है, जितना भी रक्त होता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा ब्लड सैंपल होता है। तो इस तरह से एक सैंपल की बात मैंने आपको बताई जो कि आपने दैनिक जीवन में सुनी होगी। और एक एग्जाम्पल और, जैसे आप जब कभी किसी शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि एक दो वस्तुएं रखी होती हैं जो कि उसके पास जो भी मटेरियल होता है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं कि उसके पास इस तरह के जूते हैं या फिर उसके पास इस तरह के कपड़े मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो सैंपल की बात हो गई दैनिक जीवन में। लेकिन अब बात करते हैं अपने एग्जाम के परपथ से और अपने काम के परपथ से। देखिए, कल के दिन जब आप यूजीसी नेट एग्जाम पास कर लेंगे तो आप एक अनुसंधानकर्ता बन जाएंगे, आप रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करने में एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब भी आप अपना शोध करना चाहेंगे तो आप संपूर्ण जनसंख्या पर आप शोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जनसंख्या पर शोध करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शोध करने के लिए हमको अब वहाँ पर भी एक सैंपल का यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं कि सैंपल किसे कहेंगे। संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह है प्रतिदर्श कहलाता है। यानी जैसे कि आप अपने क्षेत्र में, अपने जिले में सभी गर्ल्स यानी जितनी भी लड़कियां हैं उनकी शिक्षा पे कोई अध्ययन करना चाहते हैं, तो इस तरह से सभी लड़कियों का अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब आप किसी आधार को लेके एक उनका सैंपल सिलेक्ट करेंगे, यानी उनका एक छोटा समूह ही बनाएंगे जिस पर आप आसानी से अपना शोध कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से देखिएगा, संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह प्रतिदर्श कहलाता है। तो ये तो हो गया प्रतिदर्श किसे कहते हैं। अब दूसरी बात, वह विधि जो संपूर्ण जनसंख्या में से छोटा समूह को चयन करने में प्रयोग की जाती है उसको सैंपलिंग कहते हैं। यानी जिस मेथड से आपने इन सभी लड़कियों में से किसी छोटे ग्रुप को सिलेक्ट किया है वह मेथड सैंपलिंग कहलाएगा, इस बात को याद रखिए। तो यह एक सैंपल और सैंपलिंग में बेसिक अंतर है। मैं फिर से बोलूं कि संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह है सैंपल कहलाता है, यानी प्रतिदर्श कहलाता है, और जिस विधि से इसको सिलेक्ट किया जाता है उसको सैंपलिंग कहते हैं। यानी इनको सिलेक्ट करने की कई सारी विधियां होती हैं, तो वो सैंपलिंग कहलाता है, सैंपलिंग मेथड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एक अच्छे प्रतिदर्श के आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल, यानी जब आप शोध करने के लिए किसी सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके एक अच्छी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसके अच्छे गुण क्या होने चाहिए। देखिए, पहला क्या है, प्रतिनिधित्व। ओके, रिप्रेजेंटेटिवनेस। ये मतलब है कि इसे मान लीजिए अगर आप 50,000 गर्ल्स थी, अगर इनमें से अगर आप छोटा सैंपल बनाते हैं तो छोटा सैंपल इस तरह से होना चाहिए कि वो लगभग पूरी 50,000 लड़कियों को रिप्रेजेंट कर सके, उनका प्रतिनिधित्व कर सके। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि एक प्रतिनिधित्वता होना चाहिए। ऐसा होने से क्या है कि संपूर्ण जनसंख्या जो आपने सिलेक्ट की थी उस पर आप अपने निष्कर्ष को लागू कर पाएंगे। अब देखिए, उपयुक्त आकार, तो इसका मतलब यही है कि आपने जिस सैंपल को चुना है
उसका आकार यानी साइज बहुत ही उपयुक्त होना चाहिए, ओके, ताकि आप अपने निष्कर्षों को बहुत ही सामान्य तरीके से उन पे सामान्यीकरण कर सकें। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, पक्षपात रहित अनबायस्ड होना चाहिए। मतलब ये है कि जब भी आप किसी सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिनके बारे में आपको पहले से मालूम था, ताकि आंकड़े ज़्यादा ही आप पहले से ऐसा सोच के करें कि ऐसे आंकड़े हमको लाने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि उसमें पक्षपात वाली बात हो कोई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संभाव्यता विधि द्वारा चयनित, यानी जब भी आप किसी प्रतिदर्श को चुने तो वो संभाव्यता विधि द्वारा चयनित होना चाहिए। तो संभाव्यता विधि के भी कई प्रकार होते हैं, मैं आपको एक अगला वीडियो बनाऊंगा और उसमें संभाव्यता विधि के प्रकार बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चार पॉइंट्स हैं जो कि एक अच्छे प्रतिदर्श के लिए आवश्यक गुण को बताते हैं, तो ऐसा होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए कि जो हमारा सैंपल होता है उसके फायदे यानी एडवांटेज क्या होते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, व्यापक अध्ययन। देखिए अगर आप सैंपल का सिलेक्शन करते हैं उसके बाद अध्ययन करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से ब्रॉड स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आप संपूर्ण जनसंख्या पर अध्ययन करना चाहेंगे तो वहाँ तो बहुत सारी समस्याएं होनी है, इसलिए व्यापक अध्ययन नहीं हो पाता है। दूसरी बात, प्रशासकीय असुविधा, यानी जब आप एक छोटा सा सैंपल बना लेते हैं तो उसको उस पर प्रशासन करने में यानी उसको रेगुलेट करने में बहुत ही सुविधा हो जाती है, आसानी से आप क्या कर पाते हैं उसे पूरा कर पाते हैं। दूसरी बात, समय की बचत, यानी आप अगर सैंपल को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद शोध करते हैं तो वहाँ पे लोग कम होते हैं और उसके आधार पे आपको समय की बचत हो जाती है, कम टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इस तरह से आपको धन की बचत हो जाती है, श्रम की बचत हो जाती है, यानी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और भी पॉइंट है जैसे सीमित साधनों की आवश्यकता, अगर लोग निश्चित संख्या में तो आप क्या करेंगे, आप जो भी साधन यूज कर रहे हैं वो भी सीमित रहेंगे, आसानी से कर सकते हैं उसको पूरा। और भी पॉइंट है जैसे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता, यानी जैसे कि अगर संपूर्ण जनसंख्या पर अध्ययन करना चाहते हो वो तो मुश्किल हो जाता, तो सैंपल जो आप यूज करते हैं उससे जो परिणाम प्राप्त करते हैं उसमें भी विश्वसनीयता रहती है। और देखिए असंभव अध्ययन संभव, यानी ऐसे भी अध्ययन को करना आसान होता है जो कि असंभव होते हैं, यानी जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या पे आप जब अध्ययन करना चाह रहे थे वो असंभव था, तो आपने किसी बड़ी समस्या को भी आसानी से सैंपल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं उसको संभव बना सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से कुछ एडवांटेज हैं सैंपल के जो कि याद रखने हैं, ओके। और यहाँ पे आवश्यक गुण भी मैंने आपको डिफाइन किए हैं। तो एग्जाम में बस यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा गया है, जैसा बनाया जाए क्वेश्चन उस तरह से आपको ऑप्शन देखने हैं और अपना करेक्ट आंसर देखना है, ओके फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सैम्पलिंग डिफाइन कर दिया है। मैं आगे वाली वीडियो में आपको जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनको भी डिस्क्राइब कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो।